बरसात होने के बाद जिला उपायुक्त ने शहर के अलग अलग स्थानों का दौरा किया और लोगों से कहा कि बरसात की वजह से आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि अलग स्थानों से जहां जल भराव ज्यादा है वहां से पानी निकालने के लिए मोटरों का प्रयोग किया जा रहा है। बरसात हुई है उसके लिए क्या जो जल भराव हो गया आज लगभग रात में जींद शहर के अंदर 100 mm के करीब बरसात हुई थी, तो सुबह मैंने विभिन्न जगहों पर मौका देखा था। अभी जैसे हमारा जो स्टेडियम है अर्जुन स्टेडियम, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, तो उसकी व्यवस्था के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं कि उसका पानी को हम तुरंत ही निकासी कर देंगे। जो ताऊ देवीलाल चौक के पास हमारा अंडरपास बना है उसमें भी पानी भरा हुआ था, उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, इलेक्ट्रिसिटी और रेलवे विभाग के दोनों को मिलकर उसके सुलझाने के निर्देश दे दिए गए हैं। JD7 का जो अंडरपास था उसमें जब मैंने विजिट किया तो उसका पानी निकल चुका था। इसके अतिरिक्त पटियाला चौक पर भी ज़्यादातर पानी की निकासी हो चुकी थी। नरवाना रोड पर कुछ जगह पर पानी के खड़ा हुआ है जिसको जुलानी माइनर में और दूसरी जगह जो हमारी आसी ब्रांच है वहाँ पे उसकी निकासी की व्यवस्था करके निकासी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हुड्डा के सेक्टर में ज़्यादातर जगह से पानी निकल चुका है, जब मैंने विजिट की तो पानी और भी निकल रहा था। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी बचेगा हम मोटर लगाकर सारा पानी निकाल कर, मेरी उम्मीद है आज शाम तक शहर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं रहेगी कि वहाँ पे जल भराव की स्थिति हो। जहाँ तक जिले के गांव की बात है तो हमारे अलग सारे पंप हाउस चले हुए हैं, ड्रेन में जितना भी पानी आ रहा है हम सारे पानी को ड्रेन करके और लोगों की फसल में कोई नुकसान ना हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन।